अब इस चाय की चर्चा को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो अंकों की खूब गणित से देख सकते हैं और एक दूसरे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए पहले आसान तरीके से देखते हैं। चाय और शरबत का मेलजोल करने के पहले और बाद में हम दोनों के ही गिलास में बराबर बराबर 90 मिलीलीटर के घोल थे। तो मेरे गिलास में जितनी भी चाय आई वो सौरभ के गिलास से ही आई होगी और मेरे गिलास से जितना शरबत गया उतनी ही चाय आई होगी। तो हम दोनों के गिलासों में बिल्कुल बराबर चीजों का आदान प्रदान हुआ, यानी मेरे गिलास में जितनी चाय है उतना ही शरबत सौरभ के गिलास में है और हम ये प्रक्रिया चाहे कितनी भी बार करें ऐसा ही रहेगा। बस मेरे गिलास में चाय बढ़ती जाएगी और सौरभ के गिलास में शरबत, परंतु जितनी चाय मेरे गिलास में आई उतना ही शरबत सौरभ के गिलास में होगा। अब अंकों की गणित से भी ये करके हम देख सकते हैं। मैंने पहले सौरभ के गिलास में 10 मिलीलीटर शरबत डाल दिया और अब उसका गिलास 100 मिलीलीटर का हो गया, जिसमें 90 मिलीलीटर चाय और 10 मिलीलीटर शरबत है और मेरे गिलास में 80 मिलीलीटर शरबत बचा है। अब सौरभ ने अपने इस घोल का 10 मिलीलीटर मेरे गिलास में डाल दिया। 10 मिलीलीटर के इस घोल में 9 मिलीलीटर चाय है और 1 मिलीलीटर शरबत है। जब ये घोल मेरे गिलास में आया तो सौरभ के गिलास में 81 मिलीलीटर चाय और 9 मिलीलीटर शरबत बचा और मेरे गिलास में अब 81 मिलीलीटर शरबत और 9 मिलीलीटर चाय हो गई। तो मेरे गिलास में जितनी चाय है सौरभ के गिलास में उतना ही शरबत। तो आशा है आपको ये चाय और शरबत पर चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद।